सेगांव तहसील कार्यालय में जैस कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय में लेखापाल प्रेम सिंह डुडवे को ज्ञापन सौंपा है। जैस के संभाग सचिव मोहन किराड़े द्वारा बताया गया कि सिवनी जिले में बजरंग दल और श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दो आदिवासियों को लाठी डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई है। सिवनी के ग्राम सिमरिया में हमारे दो आदिवासी भाई धनसा इनवाती और संपत बट्टी को लगभग 15-20 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। हमारे एक और भाई ब्रजेश बट्टी को भी मारा और धनसा भाई की पत्नी हमारी बहन के साथ भी अभद्र व्यवहार कर उनका ब्लाउज फाड़ा। परिवार जन द्वारा बताया गया कि इस गुंडों की भीड़ में मुख्यतः बजरंग दल और श्रीराम सेना के कार्यकर्ता थे और थाना कुरे के प्रभारी उइके ने भी 3 बजरंग दल और 6 श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं का इस हत्या में शामिल होना बताया है। परिवार जन के मुताबिक उस रात बादलपुर चौकी के पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचने पर भी वहां उपस्थित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। हालांकि बड़े आंदोलन के बाद अभी पुलिस द्वारा 14 आरोपियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल ज्ञापन द्वारा तहसीलदार महोदय, सेगांव तहसील जिला कलेक्टर महोदय, जिला खरगोन मध्य प्रदेश, विशेष सिवनी जिले में आदिवासियों पर हमला और दो आदिवासियों की बर्बर हत्या, धर्म के आड़ में आमजन पर बढ़ती हुई गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई की मांग। शासन प्रशासन के मौन समर्थन से बढ़ रही है गुंडागर्दी। महामहिम राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 मई की आधी रात को जिला सिवनी के ग्राम सिमरिया में हमारे दो आदिवासी भाई धनसा इनवाती और संपत बट्टी को लगभग 15-20 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। हमारे एक और भाई ब्रजेश बट्टी को भी मारा और धनसा भाई की पत्नी हमारी बहन के साथ भी अभद्र व्यवहार कर उनका ब्लाउज फाड़ा। परिजनों द्वारा बताया गया है कि इस गुंडों की भीड़ में मुख्यतः बजरंग दल और श्रीराम सेना के कार्यकर्ता थे और थाना कुरई के प्रभारी श्री उइके ने भी 3 बजरंग दल और 6 श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं का इस हत्या में शामिल होना बताया है। परिवारजन के मुताबिक उस रात बादलपुर चौकी के पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचने पर भी वहां उपस्थित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि बड़े आंदोलन के बाद अभी पुलिस द्वारा 14 आरोपियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि गौ हत्या के शंका में हमारे लोगों पर यह हमला हुआ था। हम देख रहे हैं कि धर्म और गोरक्षा की आड़ लेकर आए दिन गुंडे आमजन पर हमला कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे। शासन प्रशासन के मौन समर्थन के कारण ही इन गुंडों के हौसले इतने बढ़ रहे हैं। हम आदिवासी अपने मवेशियों को घर के सदस्य जैसे रखते हैं, पर जिस तरह गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिन लोगों ने कभी गाय पाला ही नहीं, उसके देखभाल के बारे में कुछ नहीं जानते हुए अपने आप को आज गोरक्षक बताकर इंसानों को मार रहे हैं। सरकार बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दे रही है, परंतु बिरसा मुंडा टंटे मामा जैसे क्रांतिकारियों के वंशज आज भी अपने जीवन जीने के अपने मूलभूत संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। आज़ाद भारत में आज भी आदिवासी के घर में घुसकर कभी धर्म के आड़ में और कभी दूसरे बहाने गुंडागर्दी कर आदिवासियों की हत्या की जा रही है। इससे ज़्यादा शासन के लिए और ज़्यादा अति शर्मनाक क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में लगातार इस प्रकार के आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्वक हमले जारी है। पिछले एक ही साल में सितंबर 2021 में बिस्टान, खरगोन और ओंकारेश्वर खंडवा में पुलिस ने पीट पीट कर हमारे भाई बिशन भिल और किशन निहाल को मार डाला था। न्यायिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी एक भी दोषी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हुआ। मई 2021 में नेमावर में अपने आप को हिंदू केसरिया संगठन का नेता बताने वाले सुरेंद्र राजपूत द्वारा हमारे एक पूरे कोरकू आदिवासी परिवार की हत्या की गई थी। अगस्त 2021 को नीमच में हमारे भाई कन्हैयालाल भील को सरेआम सड़क पर घसटा गया और उसकी हत्या की गई थी। और भी कई हमले हुए थे। आज महंगाई आसमान छू रही, सबकी कमाई मारी जा रही, रोजगार नहीं है, शिक्षित भी बेरोजगार भटक रहे, किसान कर्ज में डूबा है और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।